हैदराबाद के नानक रामगुड़ा में अचानक एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत ढह गई है। इस हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हाल ही में इमारत का निर्माण कार्य पूरा हुआ था और सिर्फ टाइलें और प्लम्बिंग का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बिल्डिंग गिरी उस वक्त उसमें 5 परिवार मौजूद थे। इनमें से 4 परिवार टाइल वर्कर और प्लम्बर के थे, जबकि 1 परिवार चौकीदार का था। NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे में एक महिला और बच्चा भी दबा हुआ था, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 10 से ज़्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे तेलंगाना के गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि इमारत के निर्माण में नियमों का उल्लंघन देखा गया है। तो वहीं नगर निगम के मेयर बोंथू राम मोहन ने भी कहा कि इमारत का निर्माण सही नहीं था और इस्तेमाल की जा रही सामग्री ठीक नहीं थी। फिलहाल बचाव कार्य जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन चंद पैसों के लिए नियमों का उल्लंघन करके इमारत का निर्माण करना कहां तक सही है? देखते रहिए DV लाइव।